अब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ पे पलटवार करे हैं। दरअसल कल कमलनाथ ने टीकमगढ़ में कही थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को तोप फेंका, सो ई पे अब जवाब दो है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्विटर पे लिखे है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के 15 महीनों की तोप सरकार का रिकॉर्ड, तबादला उद्योग, वादा खिलाफी, भ्रष्टाचार, माफिया राज, कमलनाथ जी अच्छा है आपकी इस तोप की परिभाषा में फिट नहीं हुआ। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी छोड़ के भाजपा में आ गए थे और उन्होंने सरकार गिरा दी थी कमलनाथ की। ई के बाद से दो ही नेताओं के बीच तलखी लगातार चल रही है। मध्य प्रदेश के विधानसभा के चुनाव अब करीब हैं, सोजा तलखी और बढ़ रही है और यही के चलते कल कमलनाथ ने टीकमगढ़ में दो तो एक बयान, जब उनसे ज्योतिरादित्य सिंधिया से जुड़ो सवाल पूछेगा तो बुंदेलखंड को प्राथमिकता देनी बहुत आवश्यक है हमारे सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए। आज टीकमगढ़ में कितनी पेयजल की समस्या है, आज टीकमगढ़ में कितनी सिंचाई की सुविधा है, चार दिन में पानी आ रहा है। हाँ, चार दिन में अगर पानी आ रहा है और ये हमारा जिला हेडक्वार्टर है, ये इसकी सफाई दे शिवराज सिंह जी। भाजपा पार्टी चुनाव लड़ती है, कांग्रेस में प्रत्याशी बड़े बड़े मना है सर। क्या पार्टी भाजपा चुनाव लड़ती है, मैं प्रत्याशी नहीं और कांग्रेस में प्रत्याशी, तो क्या माने कि कांग्रेस में प्रत्याशी नहीं है? बात प्रश्न समझ में नहीं आया। हमारा ये है, भारतीय जनता पार्टी खुद चुनाव लड़ती है, टिकट किसी को भी दे दे, परंतु कांग्रेस पार्टी में प्रत्याशी ही सब कुछ। देखिए हम अपने हमारा चुनाव, मैं हमेशा कहता हूँ, बीजेपी से केवल नहीं है, बीजेपी के संगठन से है। और मेरा प्रयास रहा है पिछले सालों में कि हम अपना संगठन बनाएं, गांव-गांव में अपना संगठन बने, कि वो जमाना गया जब हम कह सकते थे कि ये गांव कांग्रेस का है, ये गांव बीजेपी का है। आज कोई परंपरागत गांव या मकान ना बीजेपी का है ना कांग्रेस का है, सब में अपनी सोच है। चुनाव के मुद्दे क्या रहेंगे आपके? चुनाव के मुद्दे भी अपने 18 साल का हिसाब दे, मैं अपने 15 महीने का हिसाब दूंगा। कमलनाथ जी, जो एक जो अभी संदेह में आया कि अब कांग्रेस पार्टी के पास हनी ट्रैप की सीढ़ी है, आप लोग साहब ने क्यों नहीं कर दिया, इलेक्शन भी आ रहा है उसका लाभ? मैंने कहा था, मैं जब मुख्यमंत्री था ये मुझे पुलिस वालों ने दिखाई थी। हाँ, तो बुलाए, पुलिस से पूछे, पुलिस के पास अभी भी होगी, पुलिस कौन कौन से, मैंने तो एक दो मिनट देखी, मैंने कहा इसको छोड़िए, इसमें मध्य प्रदेश की बदनामी होती है, तो आप पहले तो ये चेक करिए कि ये सही है गलत है, कि आज के दिन कोई भी किसी के चेहरे से सीडी बना सकता है, ये आज की टेक्नोलॉजी में कोई भी कुछ बना सकता है, आप पर इंक्वायरी करिए। और मैं नहीं चाहता कि ये बाहर जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता मध्य प्रदेश बदनाम हो। मेरे लिए तो बहुत आसान था कि इसको ओपन कर दें, पर ये राजनीति मैं नहीं करता। पिछली बार सिंधिया था आपके पास, इस बार सिंधिया नहीं है, तो कौन है ऐसा? हमें किसी सिंधिया की जरूरत नहीं है। अगर सिंधिया थे तो ग्वालियर का महापौर क्यों हारे, मुरैना का महापौर क्यों हारे, इतने बड़े तोप थे क्यों हारे, ये बताइए मुझे। सवाल पूछना चाहूंगा, एक सवाल लास्ट, एक पत्रकार है, किताब का विमोचन है बुंदेलखंड गौरव का, यहाँ के सर वो सीनियर पत्रकार, आप भी आइए। जी जी मैडम, ये है भाई, क्या लिखा आप? बुंदेलखंड के गौरव। अच्छा, बहुत बढ़िया, ये आज की पीढ़ी के लिए बहुत जरूरी है। इसमें 13 पद्मश्री है, 3 पद्मभूषण, 1 पद्मभूषण, क्योंकि पूरे जीवन आज की पीढ़ी के लिए बुंदेलखंड का इतिहास बहुत जरूरी है। दरअसल प्रदेश को विधानसभा का चुनाव जो 2023 की आखिर में है, वो सबसे ज़्यादा एक विषय पर रोचक है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में आने के बाद अब कांग्रेस को कितना नुकसान पहुँचाऊ थे और कांग्रेस पार्टी ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में जाने के बाद अब अपने आप को कैसे मजबूत रख पाऊ थे।
अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल मध्य प्रदेश 2022 सत्र में प्रवेश लेने का अंतिम अवसर। प्राथमिक चिकित्सा एवं बुनियादी चिकित्सा क्षेत्र में अपना भविष्य बनाइए। कोर्स प्राथमिक चिकित्सा उपचार, बेसिक हेल्थ केयर, इलेक्ट्रो होम्योपैथी एवं हॉस्पिटल मैनेजमेंट जैसे एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लेकर रोजगार एवं रोजगार के तहत अपना भविष्य बनाइए। बुंदेलखंड में हमारी संस्था के प्रतिष्ठित अध्ययन केंद्रों में प्रवेश लें। सागर अध्ययन केंद्र क्रमांक 572, छतरपुर अध्ययन केंद्र क्रमांक 370, हटा दमो अध्ययन केंद्र क्रमांक 578, टीकमगढ़ अध्ययन केंद्र क्रमांक 371, पन्ना अध्ययन केंद्र क्रमांक 569। बुंदेलखंड के साथ मध्य प्रदेश की किसी भी जिले में प्रवेश लेने के लिए दिए हुए नंबर पर संपर्क करें 9131652095, 9109449455।